हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? तो यार, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और आप आपस में और बात कर सकें। तो जो आज का टॉपिक है वो है टेस्टोस्टेरोन लेवल के बारे में। तो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये होता क्या है और इसका साइन क्या है कि ये कम हो गया और इसको बढ़ाएंगे कैसे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा है, अच्छे से देखें, पूरा समझें एक एक चीज़। और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको फिर से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो वैसे भी हिंदी में बहुत कम वीडियोस हैं जो आपको टेस्टोस्टेरोन के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये इसको टी हार्मोन बोलते हैं, ये मेल बॉडी का सबसे मेन हार्मोन होता है, जो मेल मतलब आदमियों के बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है, जो सब चीज़ें कंट्रोल करता है, आपका सेक्सुअल ड्राइव, आपका इरेक्शन, आपका पेनिस का साइज़, आपका जो हेयर ग्रोथ, आपका जो बॉडी का जितना भी कॉमन सिस्टम है, सब चीज़ें वो कंट्रोल करता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये आपका बॉडी में कम हो गया है? तो जो वैसे जनरल स्टडीज़ बोलते हैं कि 40% से ज़्यादा मेल्स में ये कम होता है। अब उसका रीज़न है कि आपका जो डाइट प्लान होता है, आपका जो लाइफस्टाइल होता है, वो उसके कारण कम होता है आपका। जैसे कि आपको साइन कैसे पता चलेगा कि आपका बॉडी में वो हार्मोन कम हो गया है? सबसे पहला साइन कि आपका जो बॉडी फैट है वो बढ़ने लगेगा। मतलब जैसे आप पहले होता होगा कि आप जो खा रहे हो उसके बाद भी आपका बॉडी फैट नहीं बढ़ रहा है, आप मोटे नहीं हो रहे हो बहुत, बट अब आप ज़्यादा हो रहे हो मोटे, ज़्यादा तेज़ी से मोटे हो रहे हो, तो वो एक साइन हो सकता है। दूसरा मसल लॉस, मतलब आपका अच्छा खासा बॉडी था, वो धीरे 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 आप जो है कम होते जा रहे हैं। जैसे आपने अच्छा बॉडी बिल्डिंग करके बनाया, फिर उसके बाद आपका जो बॉडी का मसल जो है वो कमज़ोर होते गया, तो वो दूसरा साइन है। तीसरा जो मेल बूब्स होते हैं, मेल बूब्स मतलब जैसे कि ये जो पार्ट है ये बिल्कुल लटकने लग जाते हैं या बहुत ज़्यादा इधर पे जो है फैट जम जाता है, तो उसको बोलते हैं मेल बूब्स, तो वो बढ़ने चालू हो जाते हैं। तब भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हुआ है तब भी बढ़ते हैं। फिर उसके बाद होता है इरेक्शन, जैसे आपका जो जब आप सेक्स करने जाते हो तो आपका जो इरेक्शन है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता, मतलब आपका जो लिंग में उतना आपका तनाव नहीं रहता, तो वो एक साइन हो गया। सेक्स ड्राइव जो है अब वो आपका कम हो जाता है, मतलब जो आप पहले कर पाते थे सेक्स, वो आप नहीं कर पा रहे उतना देर तक, और वो एज के कारण भी होता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे आपका बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम होते जाता है, तो वो एक रीज़न हो सकता है आपका सेक्स ड्राइव भी कमज़ोर हो जाता है। फिर आता है हेयर फॉल, मतलब आपका एक्सेसिव हेयर फॉल अचानक से होने लग गया है, तो वो भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल के कारण ही होता है। फिर इसके बाद है स्मॉल टेस्टिकल्स, जो आपके जो टेस्टिकल्स हैं या जो आपके जो मतलब पेनिस के नीचे के जो टेस्टिकल्स होते हैं वो आपके छोटे होते जा रहे हैं या छोटे हैं साइज़ में ऑलरेडी, तो वो भी एक साइन होता है कि आपका बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। आपका पेनिस का साइज़ अगर वो कम है तो वो भी एक रीज़न होता है टी हार्मोन के कम होने का। तो अब ये तो कम होने के रीज़न हो गए और साइन हो गया कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपकी बॉडी में टी हार्मोन की कमी हो गई है। अब ये टी हार्मोन आपको बढ़ाना कैसे है? आप नेचुरली बढ़ा सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास ही जाना है और बहुत हाई डोज मेडिकेशन लेना है, वैसा कुछ नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। पहला तो है आपका एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आपको बहुत रेगुलरली करना पड़ेगा। उसके लिए आप रनिंग करना चाहते हो, स्विमिंग करना चाहते हो, जो करना चाहते हो आप करो, बट वो बहुत ज़रूरी है आपका एक्सरसाइज। दूसरा जो कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज हैं जो आपके डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं आपके टी हार्मोन को, उसमें से पहला आता है वेट ट्रेनिंग, जैसे आप जिम में जाते हो वेट उठाते हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जब आप स्पेसिफिकली आप देख रहे हो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करने के लिए, तो उसमें जो सबसे पहला एक्सरसाइज है स्क्वाट। स्क्वाट मतलब जब आप खड़े होकर नीचे बैठते हो, जिसको दंड बैठक भी बोलते हैं, वो होता है। दूसरा है डेडलिफ्ट, मतलब आप जो वेट उठाते हो और फिर नीचे झुकते हो, वो होता है डेडलिफ्ट। फिर तीसरा है बेंच प्रेस, बेंच प्रेस जो आप चेस्ट के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं, मतलब जो वेट पकड़ के आप ऊपर उठाते हैं, जो चेस्ट के लिए होता है मोस्टली, तो वो ये तीन एक्सरसाइज हैं जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है आपका टी हार्मोन को। फिर उसका एक और तरीका होता है स्प्रिंट। स्प्रिंट क्या होता है कि मतलब आप पहले 30 मीटर्स का एक स्प्रिंट लो, भाग के जाओ जोर से, और वहाँ से फिर वापस जो है आपको बहुत धीरे आना है। तो ये आपको कम से कम अगर 30 मिनट तक आप करेंगे
तो भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब आपको भाग के जाना है लेकिन आना धीरे है, तो ये आपको इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा आपके टी हार्मोन को बूस्ट करने में, ये स्प्रिंट जो है। फिर खाने पे आ जाते हैं। खाना तो वैसे भी आपको देखिए, अगर आपको टी हार्मोन बढ़ाना है आपको वेट लॉस कम करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी वेट जो है आपको कम करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका वेट कम होता है, आपका फैट बॉडी कम होता है, वैसे वैसे आपका टी हार्मोन बढ़ता है बॉडी में। उसके बाद है खाने पे आते हैं स्पेसिफिक, तो जिंजर और गार्लिक, ये दो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं आपका टेस्टेस्ट्रॉन को बूस्ट करने में और आपका स्पर्म काउंट को भी बूस्ट करने में। तो जिंजर और गार्लिक को बहुत ज़्यादा यूज़ करना है आपको अपने खाने में, बहुत ज़्यादा भी नहीं बट बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना है उसको, जिंजर और गार्लिक को, मतलब अदरक और लहसुन। उसके बाद आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा को बहुत बार, मैंने भी इसके पहले भी वीडियोस मैंने बनाए हैं अश्वगंधा को, बट मैं ये स्पेसिफिक बना रहा हूँ टी हार्मोन को लेके, इसलिए मैं फिर से उसका जिक्र कर रहा हूँ। अश्वगंधा जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो अश्वगंधा बहुत अच्छी चीज़ है आपको, जो आपका टी हार्मोन को बूस्ट करता है। आपका ये है जो 40-45% आपका टी हार्मोन बूस्ट कर सकता है अश्वगंधा। उसके बाद आता है जो लास्ट है, वो है विटामिन डी। अभी विटामिन डी मैं क्यों बोल रहा हूँ, विटामिन डी जो मिलता है आपको सूरज से मिलता है और वो आपका टी हार्मोन को डायरेक्ट कंट्रोल करता है। इसीलिए जो बोलते हैं ना कि धूप में जाना चाहिए, तो बिल्कुल जाना चाहिए क्योंकि वो आपके टी हार्मोन को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। आपको कम से कम डिपेंड करता है कि आप कितना, मतलब आपका स्किन टाइप में डिपेंड करता है वो। अगर आप थोड़ा सा फेयर स्किन है तो हो सकता है कि आपको कम टाइम लगे वो विटामिन डी अब्जॉर्व करने में, थोड़ा सा अगर डार्क स्किन है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है वो विटामिन डी अब्जॉर्व करने, मतलब 15 से 20 मिनट एटलीस्ट आपको धूप में रहना चाहिए विटामिन डी के लिए। तो वो विटामिन डी भी आपको आपके टी हार्मोन को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है और उसको बूस्ट करता है। तो ये तो तरीके हैं, ये है मैंने बताया आपको टी हार्मोन होता क्या है, उसके साइन क्या है कि आपकी बॉडी में कम है और उसको बढ़ाना कैसे है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके दिमाग में कोई सजेशन है जिसके बारे में मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।